हालेलुया। आज का वचन सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आज आपके जीवन में काम होगा? विश्वास करते हैं ना? आमेन। विश्वास के संग जब आप सुनेंगे तो अद्भुत आशीष पाएंगे। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आज का वचन आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन हम शुरू करते हैं मती 20 का 1 से 16। स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया दिन प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वो बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बैठा बेकार खड़े देखा और उसने कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा कि तुम यहां दिन भर बेकार क्यों खड़े हो। उन्होंने उनसे कहा कि क्योंकि किसी ने भी हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ। संध्या होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा कि मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से प्रारंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए और उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वो ये कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे। ये जो बाद में आए इन्होंने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। ये मेरी इच्छा है कि मैं जितना तुझे देता हूँ उतना ही उसके बाद आने वाले को दूँ। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उसे मैं जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। हालेलुया, आमेन। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तेरे मुख से निकली हुई हर वचन हर वाणी शुद्ध है और पवित्र सामर्थी है। मैं इस वचन के लिए तेरा आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। जो प्रकाशन तूने इस वचन के द्वारा मुझे दिया है वो प्रकाशन इन तक पहुँच सके और उनको आशीष मिले परमेश्वर। अद्भुत हम तेरे प्रेम को जान सकें परमेश्वर, तेरे हृदय को जान सकें, तेरी योजना को, तेरे तरीके को जान सकें परमेश्वर, और हम में कौन सी कमियाँ हैं उनको देखें और तेरे अनुसार बन सकें, तेरा स्वभाव पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए। प्रबंधक कौन है? परमेश्वर। हमने ये कहा, क्या देखा, दृष्टांत हमें क्या बताता है? इसमें प्रभु के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का चरित्र क्या है और हमारा चरित्र क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो देने वाला है, परमेश्वर है जिसका हृदय में तरस है, जिसके हृदय में प्रेम है। हालेलुया। जो आपको मांगने से पहले देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या हमने देखा कि एक प्रबंधक, एक मालिक जिसकी दाखरस जहाँ पर बगीचा है, जहाँ काम था वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि प्रबंधक के पास मांगने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन इस प्रबंधक ने, इस मालिक ने खुद दिया। हालेलुया। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि उसके मन में तरस था। हालेलुया। जो दे रहा था, तरस के द्वारा उसने उनको जो नहीं मांग रहे थे, जो खाली थे, जो बेकार थे, जो असहाय थे, जो निर्बल थे, उनको उसने देना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पर हम मजदूरों की कैटेगरी देखते हैं कि उन्होंने लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले के संग उसने तय किया कि मैं तुझे 1 रुपया 1 दिन का दूंगा, लेकिन बाकियों के संग उसने तय नहीं किया और ना ही दूसरों ने मांगा कि साहब तू हमें क्या देगा, पहले हमसे पूछा नहीं कि तू हमें क्या देगा। उसने कहा काम है जाओ, और उन्होंने कहा काम करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि जो देने वाले हैं
जो लेने वाले हैं, जो मजदूर हैं, वो बुड़बुड़ाने लगे। क्यों बुड़बुड़ाने लगे? उन्हें कम नहीं मिल रहा था, दूसरे को ज्यादा क्यों मिल रहा है, इसलिए बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर ने उदार हृदय से हमें चुना है। ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर ने तरस खाकर हमें सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है। ये दृष्टांत हमें बताता है कि हम दलदल की कीचड़ में थे, हम असहाय थे, हम निर्बल थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की और उसने हमें उठाया और चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये दृष्टांत हमें बताता है परमेश्वर का प्रेम। ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए कितना तलस है, कितनी दया है। ये दृष्टांत हमें बताता है उस परमेश्वर के स्वरूप के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, जो अद्भुत है, जिसको हम नाप नहीं सकते। हालेलुया। और ये दृष्टांत बताता है हमारे बारे में कि हम क्यों चुने हुए होने के बावजूद भी दुख उठाते हैं, बुलाए गए होने के बावजूद भी दुख उठाते हैं। ये दृष्टांत बताता है कि हम परमेश्वर को नहीं समझते, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये दृष्टांत बताता है कि हमारी सोच कितनी छोटी है। ये दृष्टांत बताता है कि हम परमेश्वर को देखना ही नहीं चाहते। ये दृष्टांत बताता है कि हमें सिर्फ अपनी आशीषों से ही मतलब है। ये दृष्टांत बताता है कि हमारे अंदर धन्यवाद की आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये दृष्टांत बताता है, आज हमें इस दृष्टांत से बहुत कुछ सीखना है। आज ये दृष्टांत एक आईने की तरह आपके सामने खड़ा होगा। हो सकता है उस आईने में आपको अपनी शक्ल दिखाई दे, हो सकता है आपको एहसास हो कि यस, यही भावना, यही विचार मेरे अंदर भी आता है। और अगर ऐसा आपके जहन में आए तो अपना मुंह मत मोड़िएगा, उस आईने को देखिएगा गौर से और प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर मुझे यीशु के स्वभाव में बना दे। जो गलत भावना, जो गलत विचार, जो गलत स्वभाव मेरे अंदर है वो निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा मकसद उस पिता को धन्यवाद करना है। आपको पता है जब आप उसकी महिमा करते हैं अपने जीवन में दिल से, जब आप आत्मा से उसकी महिमा करते हैं ना, आपके बंधन टूटते हैं, आप अंधकार से दूर हो जाते हैं, अंधकार निकल जाता है आपके आपके जीवन से जब आप उसकी महिमा करते हैं। और जानते हैं आप उसकी महिमा कब करते हैं? जब आपके अंदर धन्यवाद की आत्मा होती है। और आप धन्यवाद कब करते हैं? जब आप जानते हैं कि उसने क्या किया है। हे बहन, जब आप उसके उपकारों को समझने लगते हैं, जब आप उसकी योजनाओं को समझने लगते हैं, जब उस तरस के हृदय को आप समझने लगते हैं। यहां जो मजदूर थे उन्हें जब दिया गया, जिनके संग मोल भाव नहीं हुआ था, जिनके संग मजदूरी तय नहीं हुई थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस भाई के संग तय हुआ था कि 1 रुपया उसको एक दिन का दिया जाएगा, उसको चुभन हुई, उसको तकलीफ हुई। ये नहीं कि उसे पैसा नहीं मिला है, उसको तो 1 रुपया मिला जो तय हुआ था। सामने वाले को जो मिला है वो उसकी नजर में ज्यादा था। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उतनी मेहनत नहीं की। हालेलुया। मेरे भाई, जिस दिन हम परमेश्वर को जान लेंगे ना, जिस दिन हम परमेश्वर के, यही है परमेश्वर का हृदय। आमीन। यही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो भाई जो बहन अभी आया है चर्च में, 2 दिन पहले हुआ है चर्च में आया है,
उसको इतना आशीष कैसे मिल रहा है? मैं 10 साल से आ रहा हूं, 20 साल से आ रहा हूं, मुझे इतना आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे संग भेदभाव क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता है, परमेश्वर देने में कभी भी कंजूसी नहीं करता है, उसके हाथ खुले हुए हैं, वो अद्भुत तरीके से देता है। हाँ, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप परीक्षा में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा मुसीबत में हूँ और परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आपको नहीं पता, एक बात बताइए मुझे, एक घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 12 साल का है या 15 साल का बच्चा है, हालेलुया। आप मुझे सोच के बताइए कि पिता से बात करने के लिए दोनों तैयार हैं। 15 साल का बच्चा कहता कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और उसी समय 3 साल का बच्चा कहता कि मुझे आपसे बात करनी है, पापा मुझे आपसे बात करनी है। पिता किसकी बात पहले सुनेगा? जो 3 साल का बच्चा है। आमीन। तो ये कभी मत समझिए आप कि मैं नया हूं तो परमेश्वर मेरी आवाज नहीं सुनेगा। कभी मत सोचिए कि मैं बाइबल नहीं जानता हूं इसलिए मेरी आवाज नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप जितने नए हैं, परमेश्वर पहले आपकी आवाज सुनेगा। याद रखिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि पास्टर की आवाज सुनता है, पास्टर की प्रार्थना सुनेगा। नहीं, आपकी भी सुनेगा। पास्टर की प्रार्थना क्यों सुन रहा है? क्योंकि मैं विश्वास के संग, यकीन के संग प्रार्थना कर रहा हूं कि जो हम मांगेंगे वो होगा। आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप संदेह के संग आ जाते हैं, अपनी परीक्षाएं, अपनी बीमारियां, अपने आजमाइशें आपको प्रभु से, प्रभु के सामर्थ से अलग कर देती हैं। आप प्रभु के सामर्थ को पहचान नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी परीक्षाओं में मेरे सामर्थ को समझ। मैंने तुझे परीक्षा में क्यों डाला है? एक बड़ा बच्चा है, पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चे पर ज्यादा भार है क्योंकि वो बच्चे को समझता है कि नहीं, ये भार उठा सकता है। उस बच्चे के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं हैं। धन्यवाद दीजिए अपनी परीक्षाओं के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। आप विश्वास करिए, वो लाजर कोड़ी, उससे ज्यादा तो दुख नहीं है ना आपका? लाजर कोड़ी जिसके पूरे शरीर में कोड़ था, हालेलुया, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बस उसके जो कुछ संगी साथी थे एक धनी व्यक्ति की ढ्योड़ी में जाकर उसको छोड़ देते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या उसने कभी निंदा की? नहीं, कभी उसने निंदा नहीं की, क्योंकि वो पिता को जानता था। अय्यूब, जिसका 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया 1 घंटे में, उसके बच्चे, उसके मवेशी, उसका दौलत, सब कुछ 1 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे लेके जाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, जब वो आएगा तो मेरे सामने खड़ा होगा। आमीन। हम अपने शरीर की उपस्थिति में, हम शरीर की जो स्थिति है, हमारे जो इस समय शारीरिक स्थिति है, उसके अनुसार हम परमेश्वर के प्रेम को ना आंकें, कभी ना आंकें। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है,
धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है, धन्यवाद दीजिए कि उसकी वाणी है कि वो न कभी आपको छोड़ेगा न कभी आपको त्यागेगा। वाणी उसकी वाचा है, उसका प्रॉमिस है। हालेलुया, क्योंकि उसका हृदय तरस का हृदय है। सबसे बड़ी दुख की प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेवक थे, ये जो मजदूर थे, इनका प्रॉब्लम क्या था? हालेलुया, पहला पॉइंट कि हमें क्या मिला है ये पता ही नहीं। आप क्यों नर्वस हो जाते हैं? आप क्यों दुखी हो जाते हैं? आप क्यों संदेह में आ जाते हैं? आप क्यों व्याकुल हो जाते हैं एक मसीह बनने के बावजूद भी? क्योंकि जो आपको मिला है आप उसको जानते नहीं है। ये जो मजदूर थे, इनको जो मिला है ये जानते नहीं थे। ये खाली खड़े थे, निर्बल थे, असहाय थे, अंधकार था, आज क्या होगा कुछ पता नहीं था, आज रात को रोटी बनेगी नहीं बनेगी कुछ पता नहीं है, बच्चों को रोटी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन अचानक पिता की योजना उस मजदूर के जीवन में आई और परमेश्वर ने उसे आज का काम दिया, आज की रोटी दी। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस रोटी की कीमत को समझना जो हमें आज की मिली है। हमें क्या मिला है हम नहीं जानते। आप कलीसिया आ जाते हैं, यीशु मसीह को पुकारने लगते हैं, उसकी प्रार्थना करने लगते हैं, उसकी स्तुति करने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर एहसास नहीं है कि उस आपको मिला क्या है, आपको प्रभु के चरणों में आने से मिला क्या है। हम कलीसिया आकर नौकरी की तलाश में रहते हैं, धंधे की तलाश में रहते हैं, अपने रोटी की तलाश में रहते हैं, रिश्तों को ठीक करने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन नहीं जान पाते कि हमें मिला क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हमें मिला क्या है, यीशु ने हमें दिया क्या है। हम जब यीशु मसीह में आते हैं और उसको अपना प्रभु मानते हैं तो हमें मिलता क्या है? आप एक ही पल में अंधकार से छूट जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके ऊपर शराब था उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आपने जितने भी पाप किए थे वो सारे पाप आपके धुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो पर्दा आपके सामने से हट जाता है, दीवार आपके सामने से हट जाती है और आप पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, ऐसा परमेश्वर आपको कर देता है। आमीन। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ना उन मजदूरों को पता था ना आपको पता है। मैं आपको शर्तियत कहता हूं कि जितने भी यहां भाई बहन हैं, बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं कि उनको क्या मिला है, और जो जानते हैं वो स्थिर हैं। जो जानते हैं कि उनको क्या मिला है वो परीक्षा से घबराते नहीं है, यस, दुखों से घबराते नहीं है, बीमारी से घबराते नहीं कि हमको क्या मिला है। आपका इशू पता क्या है? आपने कभी भी अपनी मां से दूध का गिलास मांगा है, दूध मांगा है? मांगा है आपने कि मम्मी मुझे दूध चाहिए? आपने नहीं मांगा, वैसे तो मांगते हैं बच्चे, है ना, कि मम्मी मुझे दूध चाहिए। आपका बच्चा अगर आपसे दूध मांगेगा आप क्या करेंगे? दूध तो देंगी, लेकिन जो गिलास होगा उसको धोकर देंगी आप, गिलास धोकर देंगे। दूध है, अपने बच्चे को आप दूध दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? गिलास धोकर देंगी। ये इशू है, आपको गिलास धोकर आपका जीवन दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
वो नहीं चाहता है कि आप जीवन का भोजन किसी गंदगी में खाएं। आपको पवित्र करता है, आपको शुद्ध करता है। आप नहीं जानते हैं कि वो आपको, आपके लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। हम अपनी अभी की स्थिति देखकर परमेश्वर के प्यार को आंकने लगते हैं, जांचने लगते हैं, लेकिन नहीं, उसकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप विश्वास करिए, उसकी योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ की हैं। कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए, एक एक वचन उसका सिद्ध है, एक एक वचन। इसलिए हमेशा उस वचन को मनन करिए कि उसे, उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें मिला क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम इस चीज का एहसास नहीं करेंगे कि मुझे मिला क्या है, तब तक परमेश्वर की स्थिरता आप नहीं पा सकते, आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकते। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि मुझे मिला क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि हमें किससे मिला है, हमें यह भी पता नहीं है। वो कौन है जिसने हमें दिया है? क्या नबी है, या एक संत है, या 2000 साल पहले एक आदमी उतरा था? किसने दिया आपको? वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ये बहुत से मुस्लिम्स जो आजकल के टीचर्स हैं, मैं सुन रहा था उसमें कि साहब यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि वो प्रभु है। मुस्लिम बोलते हैं अगर यीशु मसीह कहीं ये लिखा हुआ होगा कि मैं प्रभु हूं, तो मैं अभी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लूंगा, अभी ईसाई को स्वीकार कर लूंगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यीशु मसीह ने कहाँ कहा है। यूहन्ना 13:13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। आमेन, आमेन। वो कह रहा है मैं प्रभु हूं, वो कह रहा है कि तुम ठीक कहते हो मैं प्रभु हूं, आई एम गॉड, वो कह रहा है। आमेन, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, वो बोल रहा है। 8:58 पढ़ता हूं, देखिए यूहन्ना 1 पढ़िए, देखिए 8:58 यूहन्ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रमाण की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की 3 बार वाणी हुई, भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी सुनो। आमेन। आप जानिए कि वह कौन है जिसने आपको अनंत काल का जीवन दिया है, जिसने आपको अद्भुत आशीष दिया है, पापों शापों से मुक्त किया है। वो कौन है? यीशु मसीह, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, उसने आपको अपनी समानता में रचा है, उसने आपको माफ किया है, उसने आपको शुद्ध किया है, उसने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। वो मजदूर नहीं जान रहे थे कि देने वाला कौन है। मत्ती 1:21 पढ़िए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दोबारा लिखिए मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमेन। एंड She shall bring forth for the son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. उद्धार का मतलब क्या है? Save. Amen. यानी कि क्या पहला प्रॉमिस है यीशु मसीह के नाम में? कि वो हमें पापों से बचाएगा। Amen. आपको जो यीशु मिला है वो आपको पाप करने से बचाएगा, इसको समझिए आप।
He saves you from your sin. यानी कि यीशु मसीह मिलने के बाद आप कभी पाप नहीं कर सकते. Amen. पाप आपके जहन में टिक नहीं सकता. रोमन 6 का 14 पढ़िए. रोमन 6:14. इसलिए इंग्लिश बाइबल भी पढ़नी चाहिए. He saves. उद्धार का मतलब क्या है? इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखा हुआ है? उसने उद्धार करेगा. इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? He saves. वो हमें पापों से बचाएगा. यानी कि जब यीशु मसीह आपके अंदर है, अगर आपने पूरी तरीके से यीशु को स्वीकार किया है, आप पाप नहीं कर सकते. आप पाप करेंगे, आपके अंदर डर की आत्मा आ जाएगी, आपके अंदर व्याकुलता आ जाएगी, आपके अंदर पाप का विचार भी आएगा. तो अगर आपने यीशु को स्वीकार किया हुआ है, वो है यीशु मसीह नाम. हालेलुया. रोमियो, और तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी. हालेलुया. फॉर सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू. आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा पाप. यानी कि पाप का विचार आएगा तो सही, पाप आप देखेंगे तो सही, लेकिन वो प्रभुता नहीं कर पाएगा. आमेन. ये है यीशु. किसने आपका उद्धार किया है? किसने आपको बचाया है? किसने आपको नया जीवन दिया है? दूसरा कुरिन्थियन 5:17. यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है. देखो, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई हैं. नई बातें कौन सा है? पवित्रता का जीवन. इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को स्वीकारिए. यीशु को पूरी तरीके से अपना बना लीजिए. यीशु में एक हो जाइए. एक हो जाइए. कलीसिया को मस्ती का अड्डा मत बनाइए, प्लीज. जब आप कलीसिया आते हैं, प्लीज अपने अंदर भावना लेकर आइए. आप कलीसिया में हैं, चाहे कलीसिया शुरू नहीं हो रहा है, तब भी प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए. मस्ती मजाक, मस्ती मजाक नहीं मेरे भाई, प्लीज. ये कलीसिया है. आप कंप्यूटर नहीं है, इमीडिएट चेंज किया आपका बटन और आप सीरियस हो गए. अपने मन को तैयार करिए प्रभु से मिलने के लिए. आप कलीसिया आ रहे हैं, मस्ती मजाक नहीं होना चाहिए. आप प्रभु के चरणों में हैं, उसे कहिए कि प्रभु आज मुझसे बात करिए. आप उसे बताइए कि मैं आपके लिए तड़प रहा हूं, मैं तड़प रही हूं, मुझे आपका वचन चाहिए, मुझे आपकी आवाज सुननी है. कितने लोग प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं? वो आपको सुनना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप तैयारी नहीं है. वो खुद चाहता है आपसे बात करना, लेकिन कब बात करेगा? ये कलीसिया है, प्रभु का घर है. आमेन. हन्ना ने जब शमूएल को पैदा किया, उसने 3 साल तक उसका बनाया. उसको एपोथ का कपड़ा पहनाती थी वो. उसके लिए कोई खिलौना लेकर नहीं आती, उसको खिलौना नहीं थी, मिठाई नहीं थी. उसको सिर्फ एक ही बात बताती थी 3 साल तक, यहोवा तेरा प्रभु है, तुझे उसकी आवाज सुननी है. आमेन. तभी शमूएल उसकी आवाज सुन सका, तभी वो पहली बारी में नहीं पहचान सका कि कौन है, परमेश्वर है. आमेन. वो आपसे बात करना चाहता है. उसने आपको क्यों चुना है? उसने जो भी आपको कुछ दिया है, वो क्यों दिया है? हेलो. क्यों परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है? क्यों परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में नहीं है? क्योंकि आप सीरियसली गंभीर तरीके से उसको ले ही नहीं रहे.
साम 92 का 5, मैं आपको बता दूं वो बहुत गंभीर है। 92 का 5 क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है, इज वेरी सीरियस। वो मजाक नहीं करता है, उसने आपको चुना है, इज वेरी सीरियस। वचन कहता उसके काम बहुत गंभीर है। उसने अगर आपको चुनकर यहां पर चर्च में लाया है तो उसका मकसद है कुछ। इज वेरी सीरियस, वो मजाक करने के लिए नहीं आए यहां पर। आई एम सॉरी, हालेलुया। अगर आप सीरियस नहीं है किसी और को चुन लेगा, वो किसी और को चुन लेगा मेरे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इज़राइलियों को परमेश्वर लेकर आया था मिस्र से, 430 साल तक वहां गुलाम थे इज़राइलियों। 10 विपत्तियां फिरौन को उन्होंने दिखाई, खत्म किया तकरीबन फिरौन को, उनके साथियों को, उनके बैलों को, और सब कुछ इज़राइल के सामने किया, फिर भी इज़राइली समझ नहीं पाए। लाल समुद्र से लेकर आया इज़राइलियों को, इज़राइल के सामने ही मिस्री मारे गए, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए, फिर भी वो समझ नहीं पाए। वो जानते नहीं थे ये कौन है, कौन हमें लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है। वो मकसद ही नहीं समझ पा रहे, क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्यों वो धन्यवाद की आत्मा से धन्यवाद नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मकसद ही नहीं समझा। आज आप यहां पर बैठे हैं, आप परमेश्वर का मकसद ही नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं, बस यहां से हमारा धंधा चल जाए, हमारी नौकरी अच्छी चली जाए, हमारे बच्चे सेट हो जाए, बस ये आपका मकसद है। लेकिन परमेश्वर का मकसद ये नहीं है। हेलो, परमेश्वर का मकसद ये नहीं है। क्यों नहीं? इज़राइलियों 40 साल तक भटकते रहे। 11 दिन में जो जगह हम कर सकते थे, जो कनान देश पहुंच सकते थे, 40 साल वहीं भटक रहे हैं, वहीं पर भटक रहे हैं। गिनती 11, 5, 6, नंबर्स 11 पढ़िए। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है इज़राइलियों जो मन्ना को भी लाइक नहीं कर रहा था। अरे क्या तू खिला रहा हमको, वहां पर मिस्र में हम लोग मछली खाते थे, लहसुन खाते थे, प्याज, उन्हें लहसुन प्याज याद है। आप सोचिए, आप कैसे प्रभु में आगे बढ़ेंगे? आप लहसुन प्याज की बात कर रहे हैं, हड्डियों की बात कर रहे हैं, आप भूल गए कि आप गुलाम थे, आप भूल गए कि आप गुलाम थे, आप रोते थे, आपके लिए खाने के लिए आपको समय नहीं मिलता था, शैतान आपके ऊपर गुलामी कर रहा था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था। मैं, आप समझ नहीं रहे आप क्या थे और आज आपको क्या मिल गया है। क्यों भूल जाते हैं हम? हमको जो मिला है, हमने जो पाया है, उसको कभी मत भूलिए। मेरी अगर आज एक भी इच्छा पूरी ना हो तो भी धन्यवाद परमेश्वर का।
जो मुझे परमेश्वर ने दिया है ना, उससे ज्यादा वो मैं कभी ले ही नहीं सकता हूं। मुझे जो परमेश्वर दे चुका है, बहुत कुछ दे दिया उसने मुझे। अब अगर जो मैं मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, मैं धन मांग रहा हूं, रोटी मांग रहा हूं, गाड़ी मांग रहा हूं, ये मांग रहा हूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे दिया है। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको क्या दिया है। ये जो मजदूर थे, इनको पता नहीं इनको क्या मिला है, इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। आप उस आशीष को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर मिला है आपको, उसने यीशु दिया है आपको, उसके लहू से आप शुद्ध हुए हैं। आप दलदल की कीचड़ में थे, हालेलुया। भजन संहिता 40 का 2 पढ़िए, 1 से पढ़िएगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके पैरों को दृढ़ किया है। कैसे? यह एहसास होना जरूरी है। अगर आप ये एहसास कर लेंगे कि आप क्या थे, आप कहां थे, तभी आपके अंदर धीरज आएगा, तभी आपके अंदर पेशेंस होगा कि नहीं, मुझे दिया है। हालेलुया। आज आप उसकी स्तुति कर पा रहे हैं, आप उसकी आराधना कर पा रहे हैं, आज उसके स्वर्गदूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुन रहा है। आमेन। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, जब आप समर्पित होते हैं पूरे मन से, अलौकिक आशीषें आपके जीवन में काम करती हैं। अलौकिक, उसके स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं, और आपको यह देखना चाहिए कि उसके स्वर्गदूत हैं। मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं मेरे जीवन में प्रभु काम करता है, हर रोज काम करता है, हर रोज काम करता है। हालेलुया। आपको भी देखना चाहिए, आपको भी महसूस करना चाहिए कि आपका पिता आपके साथ है, आपका यीशु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें धन्यवाद की आत्मा क्यों नहीं आती? फिलिप्पियों 4:6। क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या मिला है, किसने दिया है हम नहीं जानते, जिसने दिया है वो कौन है हम नहीं जानते, जब हमें दिया था तब हम क्या थे हम नहीं जानते। आमेन। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर धन्यवाद की आत्मा नहीं है। बाइबल क्या कहती है? 4:6, फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमेन। प्रार्थना, विनती, धन्यवाद। आपने प्रार्थना की, विनती की, परमेश्वर मुझे चाहिए, और धन्यवाद कहा कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है और पूरी की है। बस मेरा काम खत्म। मेरा पिता मेरी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए। कब होगा विश्वास? जब आप जानेंगे कि आप यीशु में कौन है, जब आप जानेंगे कि उसने आपको क्या दिया है, जब आप रोज उसके साथ रहेंगे, कभी कभी रहेंगे, संडे के संडे रहेंगे, तो काम नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा आते जाते उसके साथ रहिए, घर से निकलते समय, घर से आने के बाद उसके साथ रहिए, आने जाने में कुछ भी काम कर रहे हैं उसके साथ रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए, अपने आप को उसके योग्य बनाइए,
प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह की माँ और भाई उससे मिलने के लिए आए थे, सब लोग उसके सामने बैठे हुए थे, उसके चेले और भी लोग, क्या कहता यीशु मसीह ने, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है जो परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरा करता है? मेरा भाई कौन है, मेरी माँ कौन है जो धरती पर मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है? क्या आप करते हैं? हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप उसकी इच्छा पूरी करने में अपने जीवन को लगाइए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हर इच्छा, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जिंदगी लगा देते हैं और नहीं होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी इच्छा पूरी करने में अपने जीवन को लगाइए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर आपको उठाएगा, आप नहीं जानते, उससे रिश्ता बनाइए। मैं दाखलता हूं तू डाली, उसमें जुड़ जाइए। एक डाली जब तक जुड़ी नहीं रहेगी तब तक फल नहीं प्राप्त करेगी। याद रखिए, आपके जीवन में फल कभी होगा जब आप जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे? उसके वचन के अनुसार, अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार चलाइए। जो वचन कहता उसके अनुसार चलिए। आपको लगता है ये वचन से चलूंगा तो मेरा नुकसान है? होने दीजिए नुकसान, लेकिन वचन नहीं छोड़ूंगा। होने दो, कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्या हो गया? नुकसान होगा, वचन नहीं छोड़ूंगा, वचन पे चलूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके वचन बोझिल नहीं है। आप उसके वचन को थाम के चलिए। अच्छा, मती 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में परिश्रम पाओगे। आमीन। मेरा जुआ, मेरी आज्ञाओं को उठा लो, वो सहज है। आपको लगता है आप क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि आपको संसार से ज्यादा प्यार है। आपको लग रहा है, अरे ये मैंने आज्ञा उठा ली, मेरे 15,000 की नौकरी चली जाएगी, मेरी 20,000 की नौकरी चली जाएगी। लेकिन जब आप उसका जुआ उठा लेंगे ना, जो हल्का है, क्या लिखा है, जो हल्का है, जो सहज है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसके अनुसार चलिए, उसके अनुसार। परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। ईमानदारी अपने साथ रखिए, ईमानदारी अपने कभी मत जाने दीजिए। थोड़े से लालच के लिए कभी मत अपने लफ्जों को मत। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। इसलिए वो कहता है फिलिपियों 4:6, दोबारा पढ़िए बेटा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। क्योंकि जब आप धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करेंगे, परमेश्वर स्वीकार करेगा। क्यों वो कहता है कि प्रार्थना करो और धन्यवाद दो? यही तो विश्वास है। हालेलुया। मरकुस 11:23-24, क्यों वो चाहता है? वो देखना चाहता है कि आपका विश्वास क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वो देखना चाहता है विश्वास के संग कदम बढ़ाइए आप। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को आंकिए, अपने आप को जांचिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके मन की स्थिति क्या है? आपका मन क्या है? आपके अंदर ईमानदारी कितनी है?
आप किसी को धोखा देने की सोच रहे हैं? आप किसी से नाजायज फायदा उठाने की सोच रहे हैं? नहीं, परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ईमानदारी रखिए अपने भावनाओं में, अपने काम में, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। वो झूठ का साथ नहीं देता, याद रखिए। इसलिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। मरकुस 11 का 23-24, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा और उसके लिए ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर कि तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। प्रतीति करो कि जो आपने मांगा है। इसलिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। शादी एक पहाड़ है और मैं विश्वास करता हूं कि टल जाएगा, क्योंकि आप उसको धन्यवाद कह रहे हैं काम होने से पहले। यानी कि आपका विश्वास कितना अधिक होना चाहिए, आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए कि आपने धन्यवाद कहा कि पिता धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रभु आपके मन को देखता है। हाँ, आपके धन्यवाद में संदेह नहीं होना चाहिए, आपके धन्यवाद में विचार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मन से कहिए। जो उसने जीवन दिया है ना मेरे भाई मेरी बहन, अद्भुत है। इज़राइल्स लाल समुद्र से आगे आए, रपीदीम में ठहरे हुए थे, पानी नहीं मिला उनको, और वो चिल्लाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। निर्गमन 17:2-6, चिल्लाने लगे कि पानी नहीं मिला है, हमको पानी नहीं पिला रहे हैं आप, मार देंगे क्या हमको? किससे कह रहे हैं आप? उससे जो आपको लाल समुद्र से निकाल कर लेके लाया है, ऐसा चमत्कार जो आपके जीवन में आपने कभी नहीं देखा था। पानी की दीवार इस तरह, पानी की दीवार इस तरह, और बीच में से आप लोग आ रहे हैं। 430 साल तक आपके पूर्वज गुलाम थे, उसके बाद भी आपको निकाल के लाया परमेश्वर। आज आप उसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं कि मेरे लिए, मुझे पानी नहीं मिला। मूसा गया परमेश्वर के पास कि परमेश्वर ये मुझे मारने के आ रहे हैं, क्या करूं मैं? परमेश्वर ने कहा जा चट्टान के पास, अपनी लाठी लेके जा, लाठी बोर, लाठी मार मेरे नाम से और पानी पिला इनको। क्या वो जमीन से पानी नहीं पिला सकता था? आमीन। वो जमीन को आज्ञा देता पानी निकल, पानी निकलता। क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि जिनको मैं गुलामी से निकाल कर लाया हूं, जिनको मैं दासत्व के जीवन से निकाल कर लाया हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो परीक्षा में आएंगे तो क्या सोचेंगे, अगर वो आजमाइश में आएंगे तो क्या सोचेंगे, वो देखना चाहता है। इसलिए वो आपको परीक्षा में लेकर आता है, इसलिए आपको बीमारियों से गुजारता है, आपको दुख से गुजारता है कि आप दुख में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आमीन। आपको देता ही रहेगा, तो आप धन्यवाद बोलते रहेंगे। एक बार वो हाथ थामेगा, हाथ रोकेगा, फिर देखना चाहता है आप क्या बोलते हैं। यस, आप दुख में कैसे उसे याद करते हैं, आप दुख में उसे कैसे धन्यवाद देते हैं। सुख में तो हर कोई देता है, प्रेज द लॉर्ड। सुख में तो आपके दुश्मन भी आपके घर में आ जाएंगे रोटी खाने के लिए। दुख में आप कैसी चाल चलते हैं। इसलिए इसराइली 40 साल तक भटकते रहे। जिन इसराइलियों के मोजे नहीं फटे थे, उनके कपड़े मैले नहीं हुए, बाइबल कहती है उनको परमेश्वर ने गोदी में उठा के रखा था, वो कुड़कुड़ा रहे थे। वो कहते हम देखना नहीं चाहते परमेश्वर को, नहीं, और मर गए वहीं के वहीं मर गए, क्योंकि धन्यवाद की आत्मा नहीं थी। हालेलुया।
क्या मेरा परमेश्वर आपके लिए इस योग्य नहीं कि आप उसको धन्यवाद करें? क्या परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया कि आप धन्यवाद करें? आमेन। कोई एक बात याद करके तो धन्यवाद कह सकते हैं हम उसे? कोई एक छोटा सा उपकार याद करके तो धन्यवाद कह सकते हैं कि किसी ने आपको यीशु मसीह के नाम के पानी पिलाया था, उसी का धन्यवाद दे दीजिए। लेकिन धन्यवाद दीजिए उसका, क्योंकि धन्यवाद में ही आपका छुटकारा है। वो धन्यवाद क्यों चाहता है? ताकि आप आजाद हो जाएं। वो अपनी महिमा क्यों चाहता है? कि आप अंधकार से दूर हो जाएं। यस, उसका धन्यवाद करने के लिए स्वर्गदूत है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है उसकी स्तुति उसकी आराधना करने के लिए। लेकिन उनसे ऊपर उसने आपने आपको बनाया है। हालेलुया। अपनी समानता अपने स्वरूप में आपको बनाया है ताकि वो आपको मुकुट पहना सके। आमेन। आपको जीवन दे सके वो आपको। इसलिए उसको कभी मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए। कलीसिया से संबंध बना के रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बना के रखिए संबंध ऐसा जैसा दाखलत और डाली के बीच में होता है। आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर से बना के रखिए ऐसा संबंध, और वो संबंध बनता है धन्यवाद में। आपके जीवन में बहुत सी चीजें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, आजमाइशें आएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन धन्यवाद मत छोड़िए, धन्यवाद करना मत छोड़िए। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और दिल से मेरे भाई, दिल से, ऊपरी मन से नहीं, दिल से आनंद के साथ। प्रभु आपको आनंद देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप परीक्षाओं में भी हंसें। प्रभु चाहता है कि आप बीमारियों में भी आनंद मनाएं। आमेन। यही वो देखना चाहता है, तभी आप उसके सच्चे पुत्र हैं, आप उसकी सच्ची पुत्री हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तरस वाला प्रभु है। आप निर्बल होंगे, वो आपको जरूर बचाएगा। कभी मत भूलिए कि वो आपको भूल जाएगा। आपकी निर्बलता में उसको आनंद नहीं आता है, आपकी निर्बलता में उसके अंदर तरस आता है, और वो आपको उठाकर अपने गले लगाता है। कभी मत, कभी सोचिए भी नहीं, कभी शैतान आपके अंदर विचार लेकर आएगा कि आप अकेले हैं, आपका क्या होगा। शैतान से बोलिए कि मेरा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज उसके संग संबंध और गाढ़ा करिए, रोज बढ़ाइए उससे अपना संबंध। आप कलीसिया आते हैं, आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उसका धन्यवाद देते रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सुन रहे हैं यूट्यूब पे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। प्रभु उनको धन्यवाद की आत्मा दीजिए, ताकि उस धन्यवाद की आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरा आशीष, तेरा अभिषेक, तेरा अलौकिक आशीष उनके जीवन में काम करे। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।